वही एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है टैडी और उसकी छोटी सी बहन है जिसका नाम है केट तो सन ऐसे करते करते सन 2000 2018 आ, आ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि केट अपनी पुरानी वी, रिकॉर्डेड वीडियोस को देख रही होती है और अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है पेरेंटर लॉस होने की वजह से दोनों भाई बहन में ज्यादा बनती नहीं है मम्मी घर घर पर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मम्मी के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को चलाना घर के बिल्स को भरना बच्चों को पालना तो मम्मी अपने जॉब पर ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है वहीं दूसरी तरफ केट टैडी के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती है क्योंकि वो मिस करती है कि अपने पापा को और वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं तो अपने भाई के साथ ही टाइम पास करूं बट अब उसका भाई केट को इतना भाव नहीं देता और अपनी बहन से ज़्यादा वो अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा कूल समझता है और उसके दोस्तों की बात करें तो उसके दोस्त एक नंबर के छुछोरे लोग हैं जो कि घर आ हैं तो केट इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर देती है और वो कह टैडी को धमकी देती है कि अगर तुम मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करोगे या जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं ये बात मम्मी को आ दूंगी तो अब टैडी केट को रिक्वेस्ट करता है कि ये बात मम्मी को मत बताना और उसके बाद वो दोनों के दोनों वीडियोस वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा देते हैं ताकि सेंटा जब उनके घर पे गिफ्ट देने आएगा तो दोनों सेंटा को अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर पाए तो सेंटा तो आते नहीं है इनको रात के एक दो बज जाते हैं और ये सो जाते हैं वहीं अचानक से सेट को कुछ हलचल सी सुनाई देती है और केट को लगता है कि घर पे कोई आया है और जैसे ही कोई केट देखती है तो वो सेंटा होता है केट अपने भाई को उठाती है और ये फटाफट -फड़ बाहर की तरफ भागते हैं सेंटा को देखने के लिए लेकिन सेंटा वहां पे नहीं होता लेकिन सेंटा की गाड़ी जरूर होती है यानी कि सेंटा की कार जिसमें रेंडियस बने हुए होते हैं और वो देखते हैं कि सेंटा एक चिमनी से दूसरी चिमनी में बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए जा रहा है केट सेंटा को चूंकि पास से देखना चाहती है और वो ये भी जानती है अच्छे से कि आज सेंटा को उसने अच्छे से कैप्चर नहीं किया तो तो ये पल फिर कभी तो आएगा नहीं तो वो सेंटा की गाड़ी में जाके छुप जाती है पीछे की सीट में वहीं टैडी अपनी बहन को लेकर परेशान हो जाता है कि ऐसा ना हो कि मम्मी मुझे मार डाले तो वो भी केट के पीछे पीछे सेंटा की गाड़ी में चले जाता है दोस्तों ये गाड़ी से उतरते इतने में हम क्या देखते हैं कि सेंटा सेंटा अपनी गाड़ी में आ जाता है और गाड़ी जो स्पीड के साथ हवा में उड़ती है भाई साहब मतलब वो सीजाई एनिमेशन गाइज बहुत ही ज्यादा मस्त और कूल था कि ये दोनों पीछे छुपे होते हैं सेंटा अपनी गाड़ी चला रहा होता है और इतनी तेजी से सेंटा की गाड़ी भागती है ना मतलब इंडिया इतनी तेजी से हवा में उड़ते हैं गाइज मजा आ जाता है ये चीज देख करके अच्छा होता है क्या है कि अब चूंकि ये हवा में उड़ रहे होते हैं और ये बच्चे पीछे से चीखते हैं हैं तो सेंटर भी घबरा जाता है और सेंटर का जो बैग रखा हुआ है जिसमें काफी सारे गिफ्ट होते हैं बच्चों के लिए वो पीछे कहीं हवा में उड़ जाता है और ये नीचे आके बूम बड़ी गंदे तरीके से नीचे गिरते हैं और ये अपने घर से पैंतीस माइल्स दूर आ चुके होते हैं अब गाइज हो प्रॉब्लम ये है कि सेंटर की गाड़ी टूट चुकी है रेंडियर आजाद होकर के इधर उधर भाग चुके हैं और अब क्रिसमस को कौन बचाएगा सेंटा का कहना है कि अगर क्रिसमस के दिन सभी बच्चों को उनका गिफ्ट नहीं मिला तो क्रिसमस की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी और लोगों में गुस्सा भर जाएगा और लोग फिर पब्लिक केयर्स होना तो संभव है ही पब्लिक के का मतलब गाइस कि फिर लोग जैसे तोड़फोड़ करेंगे कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसे ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है लोगों के एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो जाता है तो अब यहाँ पे केट और टैडी को मिल करके सेन्टा की मदद करनी है उनको सेंटा के रेंडियर्स ढूंढने हैं और वापस बच्चों को उनके गिफ्ट पहुँचाने हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सेंटा को सेंटा को उसके रेंडियर्स ढूंढने के लिए गाड़ी की जरूरत है और पुलिस क्योंकि वो एक गाड़ी को चुरा लेते हैं तो पुलिस वाला सेंटा को पकड़ लेता है उसे पुलिस चौकअप में बंद कर देता है पुलिस चौकअप में बंद करने के बाद सेंटा काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है पुलिस वालों को और वो उन्हें कहता है भी है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या विशेष थी इससे प्लीज मुझे छोड़ दो वरना क्रिसमस खतरे में आ जाएगा लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता उसके बाद गाइज जेल के अंदर तो पॉप सॉन्ग भी बजता है सेंटा खूब एंजॉय मौज मस्ती करता है वहीं दूसरी तरफ केट और टेडी पूरी जी जान लगा देते हैं सेंटर की मदद करने में तो ये लोग रेंडियर को ढूंढते हैं और जैसे तैसे करके सेंटर की गाड़ी को ठीक करते हैं और सेंटर को बाद में जेल से छुड़ा भी देते हैं और इसके बाद सब पूरे ये तीनों बंदे मिलकर के एक टीम की तरह काम करते हैं और ये क्रिसमस को बचा लेते हैं सभी के प्रेजेंट्स सब बच्चों को मिल जाते हैं गाइज तो ये तो थी यार इस मूवी की कहानी गाइज जिस तरीके से मूवी का टाइटल है द क्रिसमस कॉनिकल तो इससे तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कहानी ज़्यादा ज़्यादा क्या होती यही यही हो सकती थी कहानी इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकती थी लेकिन जिस तरीके से सीजा एनिमेशन ऐड किया गया है जब सेंटा अपनी गाड़ी को लेकर के आसमान में उड़ता है तो गाइज वो नज़ारा तो देखने लायक है फुल मजा आता है और इस मूवी के अंदर एक चीज़ होगी सेंटा को हो हो करना पसंद नहीं है क्योंकि सेंटा कहता है कि वो कभी हो हो नहीं करता ना तो वो मोटा बंदा है और उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है गाइज इस मूवी की बात करें तो ये मूवी डेफिनेटली बात है ये बच्चों के लिए मूवी बनाई गई थी और आई रेटिंग की बात करें तो इसको 10 में से 7 पॉइंट मिले हैं वहीं रोटन टमाटोज की बात करूं तो रोटन टमाटोज में इसको मिले हैं 68 परसेंट और पब्लिक की बात करें तो 4.6 की रेटिंग मिली है इसे पब्लिक की तरफ से एंड गाइज ये पी थर्टीन मूवी है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है इसमें सेंटर की बात करें तो सीरियसली यार सेंटर तो बहुत जबरदस्त दिखे हैं अगर कट वैस की बात करें जिन्होंने सेंटर का रोल किया है सीरियस उन्हें देख करके लगता है कि अगर सेंटा होते तो असल में ऐसे ही होते वहीं केट की बात करें तो जिसका रोल निभाया है डाबी कैम ने और सीरियसली वो बच्ची नटखट है लेकिन बड़ी क्यूट सी मासूम सी और उसे देख करके थोड़ी दया भी आती है कि इस बेचारी के पापा नहीं है और ये अपने भाई के साथ समय बिताना चाहती है और डैडी की बात करें जिसका रोल निभाया है जुड़ा रेविस ने तो ठीक है यार इन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है और इनको तो बाद में गाइड सेंटा की गाड़ी राइड करने को भी मिलती है गाइज अगर इस मूवी के अंदर एक चीज़ देखिए सेंटा का कैरेक्टर तो सेंटा का कैरेक्टर काफ़ी बिंदास है वो मतलब कि ऐसा कोई एक होता नहीं कि टेंशन हड़बड़ी में आ जाना कि अरे मेरी गाड़ी टूट गई मेरे इंडियज भाग गए अब क्रिसमस का क्या होगा मतलब वो फिर भी कूल था कि यार बस अब हमें क्रिसमस को बचाना है ऐसा नहीं कि हड़बड़ी हो रही है और मूवी खत्म होते होते हमें मिसिज क्रॉस का भी रेफरेंस मिलता है जो कि डेफिनेटली अगली मूवी में तो आएंगी ही आएंगी तो गाइज ये था मेरी तरफ से मूवी द क्रिसमस क्रॉनिकल्स का ये मूवी सीरियसली कह रहा क्या बहुत अच्छी मूवी है एंड आपको बहुत मजा आएगा इस मूवी को देखने से ऐसा लगता है कि आप किसी एडवेंचर में निकल निकल पड़े हो और बच्चों को तो सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी को देख करके सब ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर इसके अंदर सीजे एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसका सेकंड पार्ट सन 2020 में रिलीज हुआ था जिसका रिव्यू करूंगा मैं अगली वीडियो में तो गाइज अगर मेरा ये वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और आपने अभी तक बैर आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज आइकन को दबा लीजिए तो ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और अगर आपने ऑलरेडी इस मूवी देख रखा है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे बड़ी बात गाइज इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो तब तक के लिए बाय दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टेक केयर बाय बाय